ऐसी आईएएस ऑफिसर हो। तो इनके लिए एक बार फिर जोरदार तालियां और बहुत बहुत थैंक यू मैम। क्या कहना चाहती है मैडम? आज होली के उत्सव पर पंजाबी महासभा बरेली द्वारा महिलाओं का होली मिलन समारोह रखा गया है और साथ ही कृष्ण और राधा की मनोहारी जो होली बहुत प्रसिद्ध है वो हमारे बीच में खेली जाती है और हमारी पंजाबी महासभा के द्वारा होली का ये त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। महिलाएँ रंगों के रंग में सराबोर हैं और सभी को पंजाबी महासभा और मेरी ओर से एक हैप्पी होली। सभी लोग स्वस्थ रहें और रंगों में हमेशा सुंदर दिखें। मेरा नाम मनीषा अहुजा है, मैं पंजाबी महासभा महिला इकाई बरेली की अध्यक्ष हूँ। आज हमारे सब सदस्य यहाँ पर होली के रंग में रंगे हुए हैं और राधा कृष्ण के साथ से वो भी होली खेल रहे हैं और हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि यह हमारी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ मानव कल्याण विभाग श्रीमती नीता अहरवाल जी हैं, जिनके नाम को कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत आगे रही हैं, काम करती रही हैं, इसलिए हमने उनको आज के अपने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है ताकि अभी हमारी सभी महिलाएं होली के इस पर्व पर उनसे इंस्पायर हो सकें और उनसे इंस्पिरेशन लेकर वो भी उनकी राह पर चल सकें। बरेली की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? बरेली की महिलाओं को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि होली क्योंकि इस तरह का त्यौहार है जिसमें लोग गिले शिकवे और बैर बुलाकर एक हो जाते हैं, तो अगर आपका भी किसी से कभी कोई बैर गिला या शिकवा रहा है तो भूल जाइए उसको और होली प्यार का रंग है, प्यार के त्यौहारों का रंग है, उसमें रंग जाइए और सब एक हो जाइए क्योंकि हमारे भारत को ऐसे ही एकता की ज़रूरत है। देश को तरक्की करने के लिए उसी प्रकार की एकता की ज़रूरत है, तो सर धर्म जाति सब भूल कर एक होकर हम सब होली का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाएं।